हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन द मिशन डेवलपमेंट अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आ गए ट्विटर एड्स कोर्स के लेसन वन में। हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्विटर एड्स। आज हम आपको कम्प्लीटली इंट्रोडक्शन बताने वाले हैं ट्विटर एड्स के बारे में। तो चलते हैं समझते हैं कुछ की पॉइंट्स है। आज हम समझेंगे क्या इंट्रोडक्शन होता है ट्विटर एड्स का। इसके बाद हम डेफिनेशन समझेंगे कि आखिर में ट्विटर एड्स की कौन सी डेफिनेशन होती है। इसके बाद हम कम्प्लीट समझने वाले हैं कि कितने टाइप्स के हम ट्विटर एड्स को समझेंगे और देन उसको हम समझेंगे किस प्रकार से हम सभी एड्स को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए इसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीटली समझते हैं। फर्स्टली मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको पहले से ही इन्फॉर्मेशन होगी कि ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, यानी कि इसके माध्यम से आप अपने विचारों को दूसरे के सामने रखते हैं। अगर सिंपल वे में कहा जाए तो करंट में क्या चल रहा है उसकी जानकारी आप ट्विटर के माध्यम से आपको पता चल जाती है। जैसे कि किसी भी देश विदेश की हमें कुछ भी न्यूज लेनी है, पता चलना है कि हमें उस देश विदेश में क्या चल रहा है और साथ से लेटेस्ट का चीज ट्रेंड में चल रही है उसका पता लगाने के लिए एक ट्विटर एक बढ़िया माध्यम यहाँ पे बन चुका है। इसी के साथ अगर आप एक बिजनेस करते हैं या ब्लॉगिंग या एक यूट्यूबर है या फिर डिजिटल मार्केटर है तो आपके लिए ज्यादा जानना जरूरी हो जाता है कि आपके कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक किस प्रकार से ट्विटर के थ्रू यहाँ पे पहुंचाया जाए। तो यहाँ पे भी कंटेंट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का कार्य ट्विटर करता है। इसी के साथ ही ट्विटर जो है बहुत सारी सर्विसेज हमें देता है। तो चलिए इसी के साथ हम समझते हैं आखिर में क्या डेफिनेशन होती है ट्विटर एड्स की। डेफिनेशन में बोला गया है, ट्विटर ऑफर्स इट्स ऑन सेल्फ सर्विसेज एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड ट्विटर एड्स, यानी कि ट्विटर जो ऑफर करता है खुद की सेल्फ सर्विस एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, जिसको हम ट्विटर एड्स के नाम से बोलते हैं, जो अलाउ करता है एक सिंपली वे में आपके ट्वीट्स को करना वाइडर ऑडियंस को आप तक पहुंचा देना। इसी के साथ ही हम समझते हैं कि ट्विटर एड्स जो है बहुत ही आने वाले टाइम में और यूजफुल होने वाली सबसे बेसिक चीज है, जहाँ पे आपको अलग अलग बैक से लेके अलग अलग ऑडियंस यहाँ पे आपको मिल जाती है और साथ ही साथ अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से आपको यहाँ पे एक ऑडियंस का बढ़िया वे बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि एक बढ़िया तरीके से वाइड ऑडियंस आपको यहाँ पे दिख जाती है। देन इसी के साथ हम समझते हैं कि आखिर में कितने टाइप्स के ट्विटर एड्स होते हैं। ट्विटर एड्स जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के ट्विटर एड्स होते हैं। फर्स्ट होता है ऐप इंस्टॉल एड्स। अक्सर आपने देखा होगा जब भी हमने एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करी थी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे हमेशा ऐप इंस्टॉल करने के लिए एडवर्टाइजिंग जो होती है अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू अलग अलग यहाँ पे दी रहती है। तो इसी के साथ ही ऐप इंस्टॉल एड्स हम कर सकते हैं। इसी में अपनी वेबसाइट पे हम क्लिक करवाना चाहते हैं, कन्वर्सेशन बढ़ाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट का, तो यहाँ पे हम कन्वर्सेशन एड्स या फिर वेबसाइट क्लिक्स भी यहाँ पे लगा सकते हैं। देन इसी के साथ प्रमोटेड हैशटैग टैग्स, हम यहाँ पे इजिली तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, हैशटैग एड्स का भी यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ आजकल ट्वीट्स को भी प्रमोट कर सकते हैं, इसे एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं हम उनकी, तो ट्विटर के लिए हमें यहाँ पे बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। देन फीचर्स हम सकते हैं, इसी के साथ ही लीड जनरेशन एड करना हो या फिर प्रमोट करना हो अकाउंट को या फिर अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना हो एडवर्टाइजिंग के थ्रू, तो यहाँ पे हम कंप्लीटली डिफरेंट टाइप्स के ट्विटर एड्स यहाँ पे चला सकते हैं। तो आई होप कि आप इजीली समझ गए होंगे कितने टाइप्स के ट्विटर एड्स यहाँ पे होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं ट्वीट्स को। जैसे कि हमने बात कही थी कि हम एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, ट्वीट्स को प्रमोट कर सकते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रमोट ट्वीट्स लुक लाइक रेगुलर ट्वीट्स व्हाट्स डिफरेंट इज दैट एडवर्टाइजर इज पेइंग इट डिस्प्ले टू कंटेंट पीपल हु आर नॉट ऑलरेडी फॉलोइंग दैट एडवर्टाइजर ऑन ट्विटर। यानी कि सिंपल में कहा गया कि प्रमोट ट्वीट जो होते हैं वो रेगुलर ट्वीट्स करने चाहिए। अगर आप अपने ट्वीट्स को प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको एक रेगुलरली ट्वीट्स यहाँ पे करना होगा। देन इसी के साथ डिफरेंट ये होता है एडवर्टाइजर के साथ, अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हो ट्वीट्स को, एडवर्टाइजर करना चाहते हो अपने कंटेंट को ज्यादातर लोगों तक दिखाना चाहते हैं जो आपको फॉलो भी नहीं करते हैं, तो एडवर्टाइजर के थ्रू आप ट्विटर पे कर सकते हो। देन इजिली तरीके से आप अपने ट्वीट्स को प्रमोट कर सकते हो। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि बहुत सारी सर्विसेज हमें ट्विटर एड्स हमें प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि अवेयरनेस, फॉलोअर्स बढ़ाना हो या प्रमोट करना हो हमारे वीडियो व्यूज को, ये वेबसाइट क्लिक हो, कन्वर्सेशन जैसे मैंने आपको बताया था, ट्वीट्स की एंगेजमेंट बढ़ानी हो और जो भी चीज आप चाहते हो आप इजीली तरीके से ट्विटर एड्स यहाँ पे कंप्लीटली समझ सकते हो। देन इसी के साथ आप इजीली तरीके से ट्वीट्स को भी प्रमोट कर सकते हो। चलिए जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ कि बहुत से हमने ट्वीट चलाते हैं, अक्सर आपने चलाया भी होगा ट्विटर, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब ट्वीट्स करते हैं तो किसी किसी का ट्वीट सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है, यानी कि आपको बार बार वो दिखता है, रिमाइंड होता है। तो ऐसा क्यों, आपने देखा होगा कि साइड में एक एरो बना होता है, यहाँ पे प्रमोटेड लिखा होता है, तो उन लोगों ने क्या करा होता है जब भी वो इस तरह का ट्वीट प्रमोट करते हैं तो यहाँ पे प्रमोटेड का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, वो लिखा होता है। देन इसी के साथ ही वो इजिली तरीके से अपने ट्वीट को प्रमोट कर लेते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमोटेड ट्रेंड्स। आखिर में प्रमोटेड ट्रेंड्स होता क्या है, चलिए पहले इसको हम समझ लेते हैं। प्रमोटेड ट्रेंड्स ऑफर करता है, फैसिलिटी हमें देता है एक स्पॉन्सर ट्रेंडिंग टॉपिक हमारे ट्विटर पर चलाने के लिए, तो इसलिए तरीके में अगर बोला जाए तो हम प्रमोट कर सकते हैं, फैसिलिटी हमें यहाँ पे ट्विटर के थ्रू दी जाती है, हम स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स को, वो
ट्विटर पर। तो कैसे करेंगे इसके बारे में आपको बताऊंगा, देन इसके साथ हम समझते हैं कि आखिर में हम ट्रेंड्स को कैसे प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया दे आर नॉट अवेलेबल टू सेल सर्व एडवर्टाइजर एंड यू मस्ट हैव अ ट्विटर रिप्रेजेंटेटिव टू बी एबल परचेज दिस एडवर्ट्स। यानी कि यहाँ पे बोला गया अवेलेबल नहीं होती कि सेल्फ एडवर्टाइजर यहाँ पे कर सकता है, देन ट्विटर यहाँ तक रिप्रेजेंट करवाता है और उसके साथ ही आपको कुछ एडवर्ट्स यहाँ पे खरीदने होते हैं, इसी के साथ आप इसी तरीके से ट्रेंड्स को प्रमोट कर सकते हो। दे आर ऑल्सो रिजर्व टू एडवर्टाइजर विथ अ लार्ज बजट। आपने लार्ज बजट के साथ भी एडवर्टाइजर के थ्रू एक कम्प्लीटली यहाँ पे प्रमोट कर सकते हो ट्रेंडिंग टॉपिक्स बना के। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि अक्सर आपने ट्विटर ओपन करा हुआ था, आप ट्रेंडिंग पे जाओगे तो यहाँ पे बहुत से सबसे ऊपर जो फर्स्ट पे दिखेगा वो आपको प्रमोटेड ही दिखेगा, यानी किसी कंपनी के थ्रू या किसी बिजनेसमैन के थ्रू यहाँ पे आपको प्रमोटेड ट्रेंड्स यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। इसके बाद देन जो भी चीजें ट्रेंडिंग में चल रही होगी उसके हैशटैग आपको दिखाई देंगे। इसी के साथ नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमोटेड ट्रेंड्स में ही कि क्या क्या चीजें और क्या क्या सिलेक्टिंग हम कर सकते हैं ऑडियंस को। तो अब इजीली तरीके से जैसे कि मैंने बहुत सी एडवर्टाइजिंग में आपको बताया है, चाहे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हम बात करें तो उसमें भी हमें ऑडियंस सिलेक्ट करनी होती है। कहीं भी हमें अगर एडवर्टाइजिंग चलानी है तो हमें अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट करनी होती है। तो जैसे कि हम कैसे ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं और आखिर में कौन कौन सी ऑडियंस होती है जो हमें सिलेक्ट करनी होती है, तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ट्विटर पर ऑडियंस है, उस हिसाब से आप अपने कंटेंट को, आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को इजीली तरीके से के सामने रख पाओगे। तो जैसे कि जेंडर, एज, लोकेशन, डिवाइस, प्लेटफॉर्म और अदर ऑडियंस जो होती है जिसमें इंटरेस्ट होता है, अलग कीवर्ड आप यूज कर सकते हो और साथ साथ किसी का स्पेसिफिक नेम के साथ भी आप इजीली तरीके से उन्हें ऑडियंस को क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, यानी कि वो आप अपने क्राइटेरिया आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है ऑडियंस का। इसी के बाद आप यहाँ पे इजिली तरीके से एड्स प्रमोट ट्रेंड कर सकते हो और इसी के साथ आपको इजिली तरीके से ज्यादा ज्यादा लोग या ज्यादा ज्यादा वाइड ऑडियंस आपको ट्विटर पर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ जैसे कि आप इजिली समझ पा रहे हो, नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग कॉस्ट की। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट अगर हम ट्विटर पर एडवर्टाइजिंग चला रहे हैं, जिसकी हम समझिए कि आखिर में ट्विटर होता क्या है, देन इसके बाद हम समझिए कि डेफिनेशन होती है। अब हम बात करते हैं कितने टाइप्स के ट्विटर होते हैं, ये भी हम कंप्लीटली समझ गए, बट अब बात आती है कि जब भी हम एडवर्टाइजिंग करते हैं तो हमें यहाँ पे एक सोचना पड़ता है अपने बजट के लिए कि आखिर में एडवर्टाइजिंग कॉस्ट क्या लगती है, कितनी क्या कॉस्ट लगती है। तो चलिए उसके बारे में बेसिकली बात करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ट्विटर के थ्रू बोला गया है कि ट्विटर इट्स एन ऑक्शन बेस्ड सिस्टम, यानी कि ट्विटर जो है ऑक्शन बेस्ड सिस्टम है, सो योर बजट एंड वाइड डिटरमाइंड द प्राइस ऑफ योर कैंपेन। यानी कि आपके बजट के साथ साथ आपके बाइट को आप डिटरमाइन करते हो, आप प्राइस के हिसाब से कैंपेन आप बना सकते हो। इसी के साथ ही कंप्लीटली बोला गया है कि ट्विटर विल ओनली चार्ज एडवर्टाइजर व्हेन यू एक्वायर एन एक्शन, यानी कि आपका जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव होता है उस हिसाब से ट्विटर क्या करता है, चार्ज लेता है एडवर्टाइजर से और इजीली तरीके से आपके एक्शन के हिसाब से यहाँ पे आपसे चार्जिंग ली जाती है। देन इसी के साथ बोला गया है कि द डेली बजट इज द मैक्सिमम अमाउंट यू वांट टू स्पेंड पर डे। आप अपना डेली बजट के हिसाब से ज्यादा अमाउंट खर्च कर सकते हो, जो भी आप अपने पर डे के हिसाब से करना चाहते हो, सिलेक्ट करना चाहते हो। देन इसी के साथ बोला जाता है योर कैंपेन विल स्टॉप सोइंग फॉर द डे वंस इट रीचेस इट्स डेली बजट, यानी कि आपका कैंपेन जो है वो रुक सकता है अगर एक दिन में, तो ये ज्यादा ज्यादा डेली बजट आप यूज कर सकते हो। देन इसी के साथ इट विल स्टार्ट अगेन द फॉलोइंग डे, अगर आपका बजट रुक जाता है, कैंपेन अगर स्टॉप भी हो जाता है तो नेक्स्ट डे से क्या हो जाता है, स्टार्ट फिर से हो जाता है। देन इसी के साथ एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी होती है। इससे पहले हम समझते हैं कैसे हम अपने अकाउंट क्रिएट कैंपेन कर सकते हैं। तो हमें कैंपेन क्रिएट करने के लिए अपना कैंपेन नेम पता होना चाहिए, फंडिंग सोर्सेज हमें पता होना चाहिए, किस फंडिंग सोर्सेज हम करना चाहते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग। इसी के साथ ही हमें अपना डेली बजट सेट करना होता है, या फिर हम चाहें तो अपडेट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं और एडवांस में प्राइसिंग स्टैंडर्ड देख सकते हैं, एक्सेलरेटेड को देख सकते हैं। इसको भी हम कंप्लीटली आपको प्रैक्टिकली आने वाली सीरीज में बताएंगे। देन इसी के साथ व्हेन डू यू वांट टू योर कैंपेन टू रन, आप किस लिए यहाँ पे कैंपेन चलाना चाहते हो, तो स्टार्ट इमीडिएटली, रन कंटिन्यूअसली, आप चाहते हो कि तुरंत चालू हो जाए और यहाँ पे कम्प्लीटली कंटिन्यूसली चले, तो इजीली तरीके से अपने डेट के साथ भी आप सेट कर सकते हो। तो ये सभी प्रोसेस जो है ना ट्विटर के थ्रू हमें यहाँ पे दी जाती है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट के हिसाब से हम यहाँ पे पूरी चीजें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर में एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कौन कौन सी होती है ट्विटर पर। तो सीपीसी की हम बात करें, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक जो है $0.38 पर क्लिक के हिसाब से हमें सीपीसी यहाँ पे देना होता है। देन अगर हम बात करें सीपीएम, यानी कॉस्ट पर इम्प्रेशन, तो यहाँ पे हमें देना होता है $6.46 पर 1000 इंप्रेशन, यानी कि 1000 इंप्रेशन पर हमें $6.46 पे करने होता है। इसी के साथ सीपी की बात करें, यानी कि कॉस्ट पर एंगेजमेंट में हमें देना होता है $1.35 पर एंगेजमेंट, यानी कि यहाँ पे भी हमारा जो डॉलर्स की बात करें तो यहाँ पे भी हमें एंगेजमेंट के हिसाब से यहाँ पे डॉलर पे करने होते हैं।
देन सीपीएफ की हम बात करेंगे, फॉलोवर्स हम चाहते हैं कि हमारे ट्विटर अकाउंट्स पर फॉलोवर्स बढ़े या हमारे बिजनेस के ट्विटर अकाउंट पर फॉलोवर्स बढ़े तो हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आप इसकी भी एडवर्टाइजिंग कंप्लीटली कर सकते हो। देन इसको भी जानना जरूरी होता है कि आखिर में फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए क्या क्या एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लगती है। तो आप देख पाओगे कि $2.50 टू से लेके $4.00 के साथ में आप पर फॉलोवर्स आपको यहाँ पे देना पड़ता है। इसी के साथ सीपी हम डी की बात करें यानी कि कोस्ट पर डाउनलोड की, अगर आप अपना ऐप डाउनलोड करवाना चाहते हो या फिर या कुछ पीडीएफ देना चाहते हो या फिर कुछ सर्विसेज देना चाहते हो तो आप इजिली तरीके से पर डाउनलोड के हिसाब से भी समझ सकते हो कि आखिर में ट्विटर की एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कितनी है। तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट की हम बात करें तो $1.95 से लेके $3.25 पर डाउनलोड यहाँ पे लिया जाता है। तो आई होप कि आपको इसलिए तरीके से समझ में आया होगा कि ट्विटर होता क्या है, ट्विटर एड्स कितने टाइप्स के होते हैं और साथ साथ एडवर्टाइजिंग बजट कैसा होता है और ऑडियंस को किस प्रकार से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप कंप्लीटली बेसिक डिटेल समझ गए होंगे। आई होप कि आपको इजिली तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।